आईएमटी खुडाना है 24 फरवरी 2019 को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक यहाँ पर रैली किया था रामविलास शर्मा जी की देखरेख में। उस टाइम रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, तो वहाँ पर एक आईएमटी का नाम लेकर के रिबन काटा गया एक खेत का, और उस खेत में आज तक आईई भी नहीं है। जैसे ही धीरे धीरे आगे आया जड़वा की एक गौशाला में 18 नवंबर 2019 को, मैं 14 नवंबर 2018 को जड़वा गौशाला में मैंने रामविलास शर्मा जी स्टेज पर सुन रहे थे, तब मैंने कहा था कि इंडस्ट्रीज एरिए के लिए आप काम करो। उन्होंने उस टाइम काम नहीं किया, वो हार गए। अगर आगे कुछ ऐसा करते हैं, और ये ढोंगबाजी कल परसों एसडीएम साहब को लेकर के बैठे हैं, जब भी कोई मेरे जैसा या कोई महेंद्रगढ़ का सामाजिक संगठन या कोई भी आदमी मुद्दा उठाता है आईएमटी का, तो कभी इंडस्ट्रियल के विभाग को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं, कभी डीसी साहब को पुलझवा देते हैं, कभी इनको क्या बोलते हैं एसडीएम साहब को लेकर बैठ जाते हैं कि भाई मैं हम आईएमटी के लिए बात करें। अरे जब सेंटर से लेकर के स्टेट से लेकर के और हल्के तक का आप शिक्षा मंत्री थे महेंद्रगढ़ के, उस टाइम तक आप नहीं कर पाए, तो आज आप क्या अपेक्षा हम आपसे करें जब हारे हुए आप। आज की तारीख में महेंद्रगढ़ का कोई धनी दौरी नहीं है। कांग्रेस का बहुत पहले हमने दो बार यहां पर महेंद्रगढ़ का एमएलए दिया, स्टेट में कांग्रेस थी, सेंटर में कांग्रेस थी, तब भी कोई चीज नहीं हुई। ये कह रहे हैं हमने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ना ही भाजपा के टाइम पे। इन लोगों का काम ये है, जैसे ही वोट का टाइम आता है तो इनका कोई बटन स्टार्ट हो जाता है, और वो बटन ये होता है कि ये घूम फिर करके बस वोटों की राजनीति करते, किस तरह लोगों को लुभाया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर हबे ने दोंगड़ा हीर की एक रैली में कहा था कि मैंने मारुति कंपनी के चीफ को जब वो जा रही थी तो ईमेल किया था, मैं डॉक्टर हबे को आपके चैनल के माध्यम से मतलब चैलेंज करता हूं, अगर आपने ईमेल की है तो वो पब्लिक को सार्वजनिक करें, क्योंकि ये भाजपा वाले हैं, जैसे ही चुनाव का टाइम आता है इनका अलग ही तरीके का एक बटन होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब वो बटन काम नहीं करेगा, उसके सारे फ्यूज उड़ा दूंगा मैं। इसलिए जब भी कोई चीज आएगी बलवान फौजी, जब तक ये काम नहीं करेंगे पीछे लगा रहेगा। जब चुनाव था 19 में, अब फिर चुनाव है, तो क्या चुनाव को लेके आईएमटी आती है या कुछ और? रामविलास शर्मा जी का पीछे बहुत फोटो में बहुत स्टेटमेंट आती रहती है कि भाई हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले, हम वहां जाकर के काम किया। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री महोदय से मिले हो, यहाँ पर एक बार 2019 में या अभी थोड़े दिन बाद मनोहर लाल खट्टर जी आए, खुडाना गांव में एक पंचायत हुई सार्वजनिक सभी संगठनों की मिलकर के, जिसमें हम भी थे, उसमें एक बड़ा ऐलान करने की प्लान की थी। महोदय ने जो हमारे ये है अपने रामविलास शर्मा जी हैं, इन्होंने क्या काम किया, उस पंचायत का देखा कि ये तो सारे एक हो गए, अब तुम्हारी बात नहीं चलेगी। दूसरे तीसरे दिन मनोहर लाल खट्टर जी का यहाँ प्रोग्राम करवा दिया, और वहां मनोहर लाल खट्टर जी से बुलवा दिया कि आईएमटी का काम शुरू होगा, ये होगा, वो होगा। वो क्या हुआ, जब आप मनोहर लाल खट्टर जी को ला करके ये बुलवा सकते हो, अरे तो एक काम ही तो करवाना है, फाइल ही तो भरवानी है। खुडाना के आसपास के गांव जो आईएमटी बनने वाली है, उसकी 1300 एकड़ जमीन पोर्टल पे चढ़ी हुई है, आसपास के गांव ने फुल सपोर्ट कर रखा है, जब से कहा था तब से। अभी कभी भूमि का नाम लेते हैं, कभी किसी चीज, पीछे तो बोला मैं मिट्टी सैंपल ले रहे हैं, अरे वो मिट्टी सैंपल 2020 में ली थी, आज तक नहीं हुई है क्या? इनका तो सिर्फ ये है, जब शिक्षा मंत्री थे तो गर्दन नहीं मुड़ती थी, जब वो सारे नेता ऐसे, रावधान सिंह जी को लगा लो, वो खुद अपने भाजपा का एक बी टीम है। आज आपको बता देता हूं, रावधान सिंह जी भाजपा की बी टीम है, क्योंकि एक बार भी भाजपा के खिलाफ नहीं बोला, आज तक कोई स्टेटमेंट है तो दिखा दो, किसी भी नेता के खिलाफ नहीं बोला। क्यों? ठीक है, चल रहा है, अपने खाओ पियो ऐश करो, क्या मतलब है, जनता मरे बाढ़ में मर जाए, हमें क्या मतलब, हमारा कौन सा घर है यहाँ पर। इन दोनों के अलावा एक और भी हैं जो चुनाव लड़ भी चुके हैं और चुनाव लड़ने वाले भी हैं, आज तक उन्होंने भी कभी जनता की किसी समस्या की तरफ ना तो ध्यान दिया और ना जनता के साथ खड़े हुए। आपको एक चीज बताता हूँ, आप न्यूज का काम करते हैं, जो भी टीवी का हो, यूट्यूब का हो, पत्रकार हो, आप ये काम कर रहे हो, आपके बच्चों के लिए कर रहे हो, भाई ठीक है मेरे 2 रुपए आएंगे, मैं भी अपना कोई देखेगा तो वो करते हैं। यही तरीका होता है, जो आदमी के परिवार होता है उसको जानकारी होती है, ये तो परिवार ही नहीं इसको, ये सिर्फ यहाँ आकर के परिवार बोलने से परिवार थोड़ी होता है भाई। आई लव परिवार, कौन सा परिवार आई लव भाई, कौन सा परिवार जाता है एक जगह, वो 100% हो गया भाई, 100% हो गया, ऐसे 100% होता है किसी के भी। आज तक जो संदीप सिंह जी हैं, जिन्होंने पूर्व में चुनाव लड़ा हुआ है, आज तक
किसी के भी पैरों में धोखा ही तो बता दो, अपने फादर का नाम लेता तो बता दो, मैं मेरा नाम लेता हूँ ओलदार लाला राम, ये नाम लेते हो ये बाऊ जी होशियार जी, और हर आदमी का अपना भाई माँ बाप का नाम से तो हर आदमी करता है। और ये हमारे मोहते पिताजी शिक्षा मंत्री इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे, क्योंकि यहाँ से तो शिक्षा वाले वो जो ले गए थे वो पीछे हमारी बेटियों के साथ यहाँ कुछ छेड़छाड़ हुई थी, एक भी आदमी बोला हो तो बता दो, संदीप एसडीएम ने कहीं पर भी बोला, अरे मुद्दे की तो बात ही अलग है, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक वो जो बोलते ना डूबता शिवाड़ का हाथ मारना वाला, गाँव में कहा सुने डूबता शिवाड़ का हाथ मारा, तो वो लग रहा है उसका तो कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, वो सिर्फ 2024 के बाद अब मैं क्या बोलूं उसको, वो कहाँ जाएगा क्या नहीं करेगा वो, अरे जितनी था मैं तो तेरे इलाके में करके दिखाना, वो बोल रहे मुझे राज दे दो, ये आईएएस अधिकारी आजकल आ रहे हैं बोलो मुझे राज दे दो, अरे तुम राज में थे तब तुमने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, अब एक स्टेटमेंट देते हैं नहीं जी हमारे ऑफिस में आते थे हम उनको चाय बिस्किट खिला के भेजते थे, चाय बिस्किट से काम हो जाता है क्या, चाय बिस्किट ले मैं खिला दूंगा। इनका संबंध बीते समय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे के साथ भी बताया गया था, इसमें भी आपकी कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई, तो क्या आप जानबूझकर इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते या फिर मीडिया से क्यों दूरी बना रहे हैं? मैं अगर इनके खिलाफ ना बोलूं तो महेंद्रगढ़ में कोई बोले ही कौन नहीं। दूसरी चीज, अपराधियों को जो बचाएगा चाहे वो संदीप एसडीएम हो और चाहे बलवान फौजी हो, वो गुनहगार है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच में अगर ये सम्मिलित मिलता है तो चुनाव तो जाए घुसड़ में, चुनाव जाए भाड़ में, पहले को इलाज गवर्नमेंट करेगी, हरियाणा गवर्नमेंट से अगर राजस्थान पुलिस को कुछ चाहिए अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम मदद करेंगे, लेकिन इसकी पूरी कॉल डिटेल चेक की जाए, किससे कब बात हुई, कि कौन किसको बचाया है किसको छुड़ाया है, इसका पूरा का पूरा इलाज बांधना चाहिए अगर किसी भी मामले में है तो। एक राजनेता ने यह भी कहा है कि इनके गुर्गों के द्वारा बच्चों को गाँव में धमकाया जा रहा है, डीसी साहब कौन से डीसी साहब? देखो मैं बताता हूँ, इनको एक वहम है, ये रजाई में जब रात को सोते हैं ना तो इनको लगता है मैं एसडीएम से डीसी बन जाता, मैं अब एमएलए भी बनूंगा, इनको डर है कि मैं एमएलए नहीं बनूंगा तो अभी डीसी लगाना शुरू कर दिया, डीसी कहां से, कौन डीसी है, कोई कुछ नहीं है, इनको बहम चढ़ा हुआ है, इनको डर चढ़ा हुआ है कि अब की बार हमारी हार निश्चित है, और इस हार के कारण ये बौखलाए हुए हैं, कभी डीसी लगाते हैं कभी एसडीएम लगाते हैं, कभी बाप का नाम ले लेते, कभी कोई काम नहीं करते, किसी मुद्दे पर बात नहीं करते, कहां किया है क्या किया, बस अब तो इनका भी एक अलग से ही भाजपा वालों और कांग्रेस वालों की तरफ बटन चालू है कि बस 100% जीत गए 100% जीत गए, और ये टाइम आएगा सब चीज़ आपके सामने आएंगी, कौन क्या है, 2024 का चुनाव आ रहा, आज नई साल है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, और जो ये लोग काम नहीं कर रहे नए साल में एक चीज़ सीख लो, महेंद्रगढ़वासियों से मैंने एक चीज़ डिमांड और करी थी बहुत पहले कि मेरे पास महेंद्रगढ़ से अगर 100 आदमी ऐसे आ जाए जिनको मैं फोन करूँ तुरंत मिले तो मैं चैलेंज करता हूँ महेंद्रगढ़ का कोई भी आप मुझे काम दो मैं करवा के दूंगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी कितना बड़ा नाम हो कितना बड़ा ऑफिसर हो मैं उससे काम करवा के मैं ला के दूंगा, आम जन का काम एक नॉर्मल आदमी की बात। ठीक है, बतावा जो ज्ञापन दिया है उस बारे में। ये ज्ञापन हमने वैसे तो हमने बहुत बार पहले भी इस चीज़ की मांग उठा चुके हैं कि भाई नगर पालिका को सुधारा जाए, अब क्योंकि इससे पहले जब से हम लोगों के बीच में थे नगर पालिका में काम सुधार के लिए लगे हुए थे कोई भाजपा का बड़ा प्रोग्राम आयोजित नहीं था, और अब जब 7 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय भाजपा सरकार के आ रहे हैं हमारे महेंद्रगढ़ में और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी की देख रेख में ये प्रोग्राम हो रहा है तो हमने काफ़ी बार ये किया है, तो अब हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जिस दिन भाजपा की रैली होगी उस दिन एक पुतला दहन करेंगे, अगर मनोज कुमार जेई और जो अस्थाई अधिकारी हैं उनको सथाई नहीं किया गया तो। दूसरा, मुख्यमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि भाई हम सफाई अभियान चला रहे हैं लेकिन महेंद्रगढ़ का वो हाल है, तो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे करके इधर उधर कुछ चीज़ें करके और ये सारा हमारे महेंद्रगढ़ का बदहाली पे छोड़ रखा है, तो हम ये पूरा का पूरा स्टाफ, क्योंकि अभी स्टाफ में तो एक ही बचा है बाकी अस्थाई है, अस्थाई को स्थाई किया जाए तभी अधिकारी काम कर सकता है, अधिकारी भी एक इंसान ही है लेकिन उसको पूरी जिम्मेदारी पूरा साइन की अथॉरिटी मिलेगी तभी तो कर पाएगा, वादा कहीं है उस टाइम कोई काम करवाने के लिए आता है तो आम जन पता चलता है कि बोल जी वो तो अस्थाई है वो तो यहाँ पर रहेंगे तो फिर वो चला जाता है, ये दक्षिण हरियाणा फौजियों की धरती है, दक्षिण हरियाणा राष्ट्रभक्ति की धरती है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्ति देशभक्ति और उस चीज़ की सुरक्षा की बात आती है, पूरे हिंदुस्तान में अगर हरियाणा का नाम आता है, हरियाणा में अगर महेंद्रगढ़ का और रेवाड़ी का नाम आता है तो सबसे बड़ी
राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और शहीदों की नगरी, हम कहेंगे शहीदों की नगरी हमारे महेंद्रगढ़ से है। तो ऐसी जो लोग फौजी छुट्टी आते हैं वो काम करवाने के लिए जाते हैं, किसी का NDC का काम होता है, किसी का नक्शा पास का होता है, किसी का प्रॉपर्टी ID का होता है, किसी का और डॉक्यूमेंट का होता है, वो बेचारा आकर के उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है, चला जाता है। मैं खुद फौजी हूँ इसलिए मुझे पता है 3 महीने की साल में छुट्टी मिलती है, उसमें ये अधिकारी ना मिले फिर तो वो साल ही हमारी बेकार होगी। तो इसलिए हमने ये सब चीज़ों को देखते हुए कि आप ये जो ज्ञापन दिया है, अब ये क्या क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ये मेरे को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने 100 आदमियों की टीम गठित की है। अगर ये मनोज जेई चेंज नहीं होता है, स्थायी अधिकारी रैली से पहले नहीं होते हैं, तो मैंने 100 आदमियों की टीम गठित की है और वो अलग अलग जगह रहेंगे। अलग अलग जगह का मतलब है कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो वो करेंगे, सबके पास पुतले का फोटो का सब कुछ दिया जाएगा। अगर मैं उधर रहूंगा तो वो करेंगे, वो उसको पकड़ लिया तो वो करेंगे, किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन सा मेरी टीम में। तो जब ये चीज़ें, इसलिए हमने पूरी रूपरेखा प्लानिंग के साथ कर रहे हैं और 7 दिन का टाइम है सरकार के, तो 24 घंटे में सब कुछ बदल सकती है। 7 दिन तो बहुत दूर की बहुत मतलब टाइम दे दिया। अगर कर देते हैं तो आप सपोर्ट करोगे रैली का? मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगा। मेरे महेंद्रगढ़ में आएंगे, उनका स्वागत जो करेंगे उनका करें, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर कर देते हैं मनोज कुमार जेई और स्थायी अधिकारी लगा देते हैं तो मैं रैली का विरोध नहीं करूंगा। मनोज कुमार जेई का क्या करना है? मनोज कुमार जेई को यहां से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि ये जो इंसान है ये पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में आया हुआ है और वहां से भी ये पीछे से बिना सैलरी के काम कर रहा है। तो हमें ये चीज यहां से, जब ऐसे भ्रष्ट आदमी बैठे तो काम की अपेक्षा हम किससे करें, ये बताओ मेरे को। जाते हैं तो ऑफिस में मिलता नहीं, हम पीछे गए थे तो वो हमें पता चला कि बलवान फौजी आ रहा है, वो पहले ही भाग गया वहां से। तो कहने का ये मतलब है कि हमें काम करवाना है, काम से मतलब है। मनोज कुमार जेई को इतनी बार बोल चुके, देखो आज हमने हटाने का इसलिए उसको बोला है कि हमने बहुत बार उनको बोला है, पिछले 2.5 साल से मैं लगा हुआ हूँ उसके पीछे, भाई काम कर दे, भाई काम कर दे, भाई काम कर दे, नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा है तो या तो उसको बाहर भगाओ। तो इसीलिए हम महेंद्रगढ़ ये सोच रहे बोले बाड़ों का यार अभी नहीं होगा, अब आगे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि जो कोई अधिकारी काम ना करे और यहाँ पर बैठा है आराम से मटर कश्ती मार रहा है। ठीक है जी। ये ज्ञापन है टीम बलवान फौजी की तरफ से, सेवा में श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। विषय नगर पालिका में भ्रष्ट अधिकारियों को बदलने व अस्थाई को स्थाई करें, अन्यथा भाजपा रैली का विरोध किया जाएगा। अब आगे इसमें लिखा हुआ है श्रीमान, अभी SDM साहब को हमने देना था, SDM साहब नहीं है इसलिए हम आपको वो कोई, क्योंकि ड्यूटी रहती है साहब लोगों की, तो कोई बात नहीं। श्रीमान महोदय, हमने बहुत बार ज्ञापन के माध्यम से, सद्बुद्धि हवन के माध्यम से, जनता के सपोर्ट से नगर पालिका की बदहाली को सुधारने की कोशिश के लिए कोशिश की, परंतु यहाँ के हमारे लोकल नेता उस बात को चाहते नहीं। हमने आज आखिर में हार करके जो महेंद्रगढ़ शहर का हाल है उसको देखते हुए शहर में जल्दी विकास कार्य शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। गलत तरीके से NDC जारी करने के मामले में पहले ही नगर पालिका के सचिव के ऊपर आरोप लग चुके थे, वहीं जेई मनोज कुमार काफी बार भ्रष्टाचार के मामले से कानून से भी फरार है रहा है और यहाँ भी कोई काम नहीं कर रहा है। उसी कारण से जितने भी यहाँ पद हैं, जो अधिकारी बैठे हुए अस्थाई हैं, जिस कारण से आम जन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, स्ट्रीट लाइट व अन्य मामले और भी मामले, कूड़े उठान का जो टेंडर है उनमें भी प्रॉब्लम है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और बहुत से मामले हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आदेश है कि सफाई अभियान हम चला रहे हैं, वह मुख्यमंत्री मोदी की बात को अधिकारी भी नहीं मान रहे। और मुख्यमंत्री मोदी का एक और ट्वीट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर ऑफिस में कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो उसका बोर्ड पर नाम डाला जाए, और हमारे नगर पालिका में तो लगभग पूरी भ्रष्ट है, पूरी की पूरी भ्रष्ट है। और जो नगर पालिका की ओर से कुछ विकास कार्यों के टेंडर किए गए थे, अधिकारियों की मिली भगत से सभी टेंडर अपने रिश्तेदारों की कंपनियों को दिए हैं, किसी भी टेंडर पर सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। जो हम आपसे आग्रह करते हैं, आपके पास 7 तारीख तक का टाइम है, आप 7 जनवरी तक अस्थाई को स्थाई अधिकारी करें और अन्य जगह दूसरे, उनकी जगह दूसरे लगाए जाए। मनोज कुमार जेई को यहां से तुरंत प्रभाव से बदला जाए,
अन्यथा हम माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का और जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हरियाणा सरकार के 7 तारीख की रैली के समय हम शहर के किसी भी जगह में उनके पुतला दहन का काम करेंगे और अगर मुझे किसी प्रकार से रोकने की कोशिश की गई तो मेरी टीम गठित की है, मैंने टीम गठित की है, वह टीम यह कार्य करेगी क्योंकि मुझे पता है सरकार भाजपा की है, वह इन कामों को नहीं होने देगी, लेकिन हम इस काम को अंजाम देंगे चाहे हमारी टीम के माध्यम से या हम खुद अगर हमें रोकने की कोशिश की तो टीम के माध्यम से। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि यह काम तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थी बलवान सिंह फौजी।